This is Yogita. Welcome back again to our YouTube channel Live Site Visit. तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक बेहतरीन वीडियो, एक बेहतरीन जगह जो कि ज़ीरकपुर में होगी। अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन की तो ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे आपको पड़ेगा, विच इज़ 1 to 2 मिनट अवे फ्रॉम चंडीगढ़। यहाँ पे आपको आसपास अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटीज़ की तो अच्छे 5 स्टार होटल्स मिल जाएंगे, लाइक हॉलीडे इन, कोस्मो मॉल रहेगा, काफ़ी डिफरेंट टाइप के आउटलेट्स रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं जहाँ पे आज हम आपको लेकर आए हैं, जो कि ग्रुप का नाम रहेगा मोतियाज ग्रुप। मोतियाज ग्रुप के हम आपको लेकर आए हैं रॉयल सिटी प्रोजेक्ट में। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे जो है आपको कमर्शियल दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्लोथ्स ब्रांड से लेके ग्रोसरी ब्रांड्स तक आपको यहाँ पे वेराइटीज मिल जाएंगी। इसी की बैक साइड पे आपका रेजिडेंशियल एरिया आएगा, जिसमें आपके पास काफ़ी ऑप्शंस रहेंगे, 3 BHK फ्लैट्स, 4 BHK फ्लैट्स। तो इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट करेंगे 3 BHK फ्लैट, जिसका जो साइज रहेगा वो 1925 स्क्वायर फीट रहेगा। तो आने वाली वीडियो में आप आगे देखिएगा कि कितना स्पेशियस जो है आपका एंड लग्जरियस फ्लैट्स रहेगा। फुली फर्निश्ड जो है आपके लिए हम लेकर आए हैं आपके बजट में, एक प्राइम लोकेशन के साथ। सोसाइटी की अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो इसमें आपको एक गार्डन मिलेगा, बेसमेंट में आपको पार्किंग मिलेगी, आपकी हर छोटी छोटी चीज़ का जो है हमने ध्यान रखा गया है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने मेन एक्चुअल फ्लैट की तरफ। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने एक्चुअल फ्लैट की लोकेशन पे। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको जो लिफ्ट दी जाएंगी वो 2 लिफ्ट प्रोवाइड की जाएंगी। एक फ्लोर पे जो है आपके 3 अपार्टमेंट्स रहेंगे। एक मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं, एक फ्रंट पे रहेगा एंड एक लेफ्ट साइड पे रहेगा। फ्लैट की एंट्रेंस पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितनी भी आपकी पार्किंग रहेगी, कार पार्किंग रहेगी, वो सारी बेसमेंट में रहेगी। तो आपको बेसिकली कार पार्किंग का कोई इशू नहीं आएगा इस सोसाइटी में। तो आप चलते हैं अपने एक्चुअल फ्लैट की तरफ। सो गाइज, ये एंट्रेंस रहेगी हमारे एक्चुअल फ्लैट की। 8 फीट की हाइट के साथ हम आपको जो है वुडन डोर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बात की जाए विड्थ की भी, तो काफ़ी अच्छी विड्थ जो है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं फ्लैट के अंदर। सो गाइस, एंटर करते ही आ जाता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइंग एरिया। यहाँ पे जो है हमने 5 सीटर सोफा सेट यूज़ किया गया है विद अ सेंट्रल टेबल। एज इट इज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इंक्लूडिंग फर्नीचर रहेगा। आप ये एलईडी पैनल देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्ट यूज़ किया गया है। एलईडी आप देख रहे हैं एज इट इज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। डेकोरेटिव कैबिनेट्स आपके बने होंगे, डेकोरेशन आइटम्स भी आपको मिलने वाली हैं। बात करूँ मैं अगर वॉलपेपर की, तो बैक आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एंड डिसेंट जो है वॉलपेपर यूज़ किया गया है। विंडो आपको एज इट इज़ टफन ग्लास के साथ प्रोवाइड की जाएगी। एसी जो आप देख रहे हैं एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। तो आपका जो है ये फ्लैट जो रहेगा वो फुली फर्निश्ड रहेगा। सोफ़ा रखने के बाद भी जो है काफ़ी मूवेबल स्पेस जो है यहाँ पे बच जाता है। अगर मैं बात करूँ, मेन आपको देखना होता है कि आपके एलईडी पैनल से आपके सोफ़ा तक का जो है स्पेस इनफ रहे। तो काफ़ी अच्छा जो है स्पेस यहाँ पे बच रहा है। इसी के साथ रहेगा आपका डाइनिंग एरिया, जिसमें हमने जो है 6 सीटर डाइनिंग सेट का यूज़ किया गया है। उसके बाद भी अगर मैं बात करूँ, स्पेस काफ़ी अच्छी है। तो यानी ये जो आपका फ्लैट रहेगा काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रहेगा। एरिया को कवर करने के लिए यहाँ पे भी आपका जो है 2 सीटर सोफ़ा यूज़ किया गया है। अगर आपके घर गेस्ट आ जाते हैं तो उसकी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बात करूँ, आपको ये इतनी बड़ी विंडो जो है प्रोवाइड की जा रही है फॉर डे लाइट, ताकि आपके घर में दिन में भी जो है रोशनी रहे। पीछे आप वॉलपेपर देख सकते हैं जो कि एंट्रेंस पे भी आपको मिलेगा। डिफरेंट कलर थीम का जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन आ रहा है यहाँ पे। मैं बात करूँ, यहाँ पे भी आपके डाइनिंग के बाद भी एक स्पेस रह जाती है, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे ड्राइंग एंड डाइनिंग की, तो यहाँ पे आप एक पार्टीशनिंग भी जो है कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आपकी एडजॉइनिंग रहेगी किचन, जिसकी सेपरेट एंट्री रहेगी थ्रू डोर। तो गाइस, आपको एज इट इज मॉडलर किचन जो है प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप जितना भी आप देख रहे हैं एज इट इज़ आपको मिलेगा, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो चिमनी हो। जो कैबिनेट्स देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा इनमें स्टोरेज कैपेसिटी रहेगी। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे, स्पेशली स्टोरेज की, जो कि मैक्सिमम फैमिली सफ़र करती हैं। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको गैस के लिए भी प्रोविज़न जो है प्रोवाइड किया गया है। चिमनी भी आपको हम दे रहे हैं, ड्यूल सिंक रहेगी विद मूवेबल टैब। इसके साथ आपके पास कैबिनेट्स रहेंगे जहाँ पे जो है आप अपने बर्तन धो के उसको यहीं पे ही जो है लगा सकते हैं। तो एक काफ़ी स्पेशियस रहेगी जो है आपकी किचन है। साथ में जो है आपकी अटैच्ड बालकनी रहेगी जिसका पार्टीशनिंग जो हुआ है वो टफन ग्लास के साथ हुआ है। सो गाइज ये जो बालकनी आपके अटैच रहेगी आपकी किचन के साथ, ये बालकनी में आप जो है वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टैब प्रोवाइडेड रहेंगी, यहाँ पे आपको गैस का जो है मीटर भी प्रोवाइड किया गया है। तो अच्छे एयर, ओपननेस एंड वेंटिलेशन की भी मैं बात करूँ तो वो भी आपकी किचन में और आपके फ्लैट में बनी रहेगी। सो गाइस अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में जो कि बिल्कुल आपकी मेन एंट्रेंस के अपोजिट रहेगा। इसकी एंट्री जो रहेगी वो यहाँ से रहेगी। सो गाइस ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम। आप देख सकते हैं कि एक बेड लगाने के बाद भी आपके पास काफ़ी अच्छा जो है स्पेस रह जाता है। तो टोटल बेडरूम जो है हमारा काफ़ी स्पेसी रहेगा, काफ़ी अच्छी स्पेस जो है आपको दी गई है यहाँ पे। तो ये जो बेड आप देख रहे हैं एज इट इज़ आपको मिलेगा। ये पीछे अगर मैं वॉलपेपर की बात करूँ तो एक रूम को जो है काफ़ी खूबसूरत और उसकी लुक को कौन बढ़ाता है, एक वॉल्स। तो एज इट इज़ जो है आपको वॉलपेपर जो है दिया जाएगा। ये जो वार्डरोब्स आप देख रहे हैं एज इट इज़ आपको मिलेंगी जो कि काफ़ी स्पेशियस रहेंगी। आपको विंडो भी प्रोवाइड की गई है ताकि आप डे लाइट का एंजॉय कर सकें। यहाँ आप मिरर देख रहे हैं एज इट इज़ जो है, ये भी आपको इसके साथ जो है इंक्लूड किया जाएगा। तो इस रूम में भी आपको जो है एक एसी प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो इस रूम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है वो ये रहेगी कि इसके साथ आपको अटैच्ड बालकनी मिलेगी जो कि कॉमन बालकनी रहेगी आपके बेडरूम 1 की एंड बेडरूम 2 की। इसके साथ आपका अटैच्ड वॉशरूम रहेगा। सो गाइज ये आपका जो है वॉशरूम रहेगा। काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी गई है इसमें। जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो सारी ब्रांडेड फिटिंग्स आपको मिलेंगी। वेट एरिया जो है आपका सेपरेट दिया गया है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग, इसकी ड्यूल एंट्री रहेगी आपके बेडरूम 1 से भी एंड आपके ड्राॅइंग एंड कम डाइनिंग एरिया से भी। तो यानी आपका ये कॉमन वॉशरूम भी हुआ। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो गाइस हमारे सेकेंड बेडरूम की एंट्री यहाँ से होगी। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा सेकेंड बेडरूम। एक अगर मैं अगेन स्पेस की बात करूँ तो ये तो आपके फर्स्ट बेडरूम से भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रहेगा। काफ़ी अच्छी स्पेस जो है यहाँ पे मिली हुई है। एलईडी पैनल आप देख रहे हैं ये एज इट इज़ आपको वुडन वर्क के साथ दिया जाएगा जिसमें आप बड़ी से बड़ी अपनी एलईडी स्क्रीन का इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो बात करते हैं हम जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं तो एक काफ़ी डिसेंट कलर का वॉलपेपर जो है यहाँ यूज़ किया गया है। आपके रूम की जो है लुक को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है ये। जो बेड की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा जो है कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। लाइक गोल्डन कलर के साथ वाइट बेड का यूज़ किया गया है। तो एज इट इज़ आपको बेड भी जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ एसी की तो इस रूम में भी जो है आपको एसी का प्रोविज़न होगा। साथ में एज इट इज़ आपको स्प्लिट एसी जो है मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको जो है बालकनी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है जो कि कॉमन थी, मैंने आपको बताया था। इसका जो पार्टीशनिंग रहेगी आपकी यूपीवीसी विंडोज़ के साथ रहेगी, टफन ग्लास। सो गाइज ये रहेगी आपकी बालकनी। काफ़ी ज़्यादा वाइड रहेगी। शाम को जो है आप यहाँ पे अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। अगर मैं विंटर्स की भी बात करूँ तो काफ़ी अच्छी सनलाइट यहाँ पे आएगी। यू कैन रियली इंजॉय। एंड बात की जाए तो ओपन टू स्काई रहेगी। ओपननेस, फ्रेशनेस जो है आपको यहाँ पे फील होती रहेगी। एंड गाइस इसी रूम के साथ आपका सेपरेट रहेगा वॉर्डरोब एरिया। तो आप जो देख रहे हैं एज इट इज़ आपको वॉर्डरोब जो है मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रहेंगी ये। एंड सामने ही आपको जो है मिरर मिल रहा है। इसी के साथ अटैच रहेगा आपका वॉशरूम। अगेन काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। जो टाइल्स रहेंगी काफ़ी डिसेंट टाइल्स यूज़ की गई हैं। सैनिटरी फिटिंग्स की बात की जाए तो सारी ब्रांडेड फिटिंग्स जो हैं आपको आपकी वॉशरूम्स में मिलेंगी। जो आप गीज़र देख रहे हैं ये भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। विंडो भी दी गई है आपके वॉशरूम्स में फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए। सो गाइस आपके सेकेंड बेडरूम के सामने ही आ जाता है आपका स्टोर रूम या पूजा रूम। एज पर योर कन्वीनियंट आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक सेपरेट आपको स्पेस प्रोवाइड की गई है जिसका अलग एंट्रेंस रहेगी आपकी। सो अब हम चलते हैं अपने लास्ट बेडरूम में। सो गाइज ये रहेगा हमारा थर्ड बेडरूम। ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक जो वर्क फ्रॉम होम की वजह से हमने यहाँ पे जो है ऑफिस बना रखा है, ये एक्चुअली में आपका बेडरूम थर्ड रहेगा जहाँ पे हम आपको बेडरूम जो है प्रोवाइड करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ वार्डरोब्स की तो एज इट इज़ आपको वार्डरोब्स मिलेंगी जो कि काफ़ी स्पेशियस रहेंगी। जैसा कि आपने बाकी बेडरूम्स में देखा, आफ्टर बेड आपके पास काफ़ी अच्छा स्पेस रह जाएगा यहाँ पे। एंड इसके साथ भी आपको जो है सेपरेट बालकनी मिल रही है, तो आपके हर रूम में जो रहेगी एक बालकनी प्रोविज़न दे रखा है ताकि आपको डे लाइट एंड वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो। आप ये मिरर देख रहे हैं, ये भी आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। इसके साथ अटैच रहेगा आपका वॉशरूम। तो अगर मैं वॉशरूम की बात करूँ तो सारी जो फिटिंग्स रहेंगी वो सारी ब्रांडेड यूज़ की गई हैं। एक ह्यूज मिरर दे रखा है, आपको हर वॉशरूम में मिलेगा। वेट एरिया जो होगा आपका सेपरेट किया गया है। टाइल अगर की मैं बात करूँ तो अगेन डिसेंट कलर्स का जो है यूज़ किया गया है। सो गाइज ये आपने देखा हमारा काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस एंड लग्जरियस 3BHK फ्लैट इन मोतियाज़ रॉयल सिटी। तो मैं अगर अगेन बात करूँ आपकी लोकेशन के बारे में तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे की मेन प्रॉपर्टी रहेगी ये। फ्रंट पे ही आपका जो है कमर्शियल आ जाएगा, होटल्स रहेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेल आउटलेट्स रहेंगे। तो एक प्राइम लोकेशन रहेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनटों में आपको हर चीज़ जो है आपकी अवेलेबल रह जाएगी, चाहे वो ग्रोसरी हो चाहे वो क्लोथ्स हो, एक हर चीज़ का जो है आपका इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये फ्लैट जो है पसंद आया होगा। अगर इसके बारे में अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।